हाय फ्रेंड्स माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर कंसल्टेंट ई एन टी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन वंस अगेन आई इन्वाइट ऑल ऑफ यू इन नोज केयर अवेयरनेस प्रोग्राम माई नोज माई लाइफ दोस्तों आज अब हम एक बड़ी कॉमन समस्या कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे Uh, जैसे पहले भी अपन ने नोज के रिगार्डिंग काफ़ी सारी पहलुओं के uh, डिस्कस किया सो so, बड़ी एक कॉमन है हेल्थ प्रॉब्लम है दैट इज़ द नेजल एलर्जी व्हाट इज़ नेजल एलर्जी एंड व्हाट इज़ द कोजेज़ ऑफ द नेजल एलर्जी क्या इसके सिम्टम्स हैं कैसे इसको डायग्नोस करते हैं क्या इसका ट्रीटमेंट है एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट बाई दिस प्रॉब्लम सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम दैट इज द नेजल एलर्जी सो फ्रेंड्स फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉट इज नेजल एलर्जी क्या है ये नेजल एलर्जी सो नेजल एलर्जी इज ए इंफ्लामेटरी रिएक्शंस ऑफ द नेजल म्यूकोजा बाई ए सबस्टेंस दैट क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स सो ये Uh, जो नेजल एलर्जी है वी कैन डिवाइड इन द टू कैटेगरीज आइदर वन इज़ सीजनल नेजल एलर्जी जो पर्टिकुलर uh, किसी को एक सीजन में अफेक्ट करती है दैट इज़ सीज़नल नेजल एलर्जी एंड अनदर इज द पेरिनियल यानी अगर कोई आदमी इफ समन सफ़र कंटिन्यूसली ईयर पूरे होल ऑफ द ईयर अगर उसको ये प्रॉब्लम रहती है तो दैट इज़ द पेरिनियल एलर्जी नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वॉट इज द काजेज ऑफ नेचुरल एलर्जी क्या काजेज़ हैं नेचरल एलर्जी की सो बिफोर टू डिस्कस द काजेज द इम्पोर्टेंट थिंग वॉट इज एलर्जेंस कि एलर्जेंस क्या हैं सो एलर्जेंस एक ये बेस्ट सबस्टेंस हैं जो अपने एयर में जो रहते हैं एंड जो एलर्जी क्रिएट करते हैं जो एलर्जी प्रॉब्लम करते हैं सो इट में भी द मोस्ट कॉमन द पोल्स पोल्स ऑफ द ट्री पोल्स ऑफ द ग्रास एंड द सेकेंड मोल्ड्स लाइक फंगस जो डिफरेंट लाइक like पुराने कपड़े पुराने चीज़ों में दैट इज़ द मोल्ड एंड थर्ड द हाउस डस्ट माइट्स डस्ट के साथ में बहुत सूक्ष्म जीवाणु होता है एंड थर्ड लाइक द फेदर्स एंड द फर ऑफ द एनिमल एंड द बर्ड्स जो अपने पेट uh, जो अपने घर में रखते हैं जो uh, अपने जो बर्ड्स जो अपन रखते हैं उनके फैदर्स और जो फर होते हैं वो भी एलर्जेंस होते हैं दैट कॉज एलर्जी एंड अनदर पेस्ट ऑफ लाइक द कॉकरोच सो दीज आर द कॉमन एलर्जेंस यूजअली ये जो एलर्जेंस हैं ये हार्मफुल नहीं है बट इफ़ समन कोई पार्टिकुलरली इससे एलर्जिक है सो so, उसके लिए ये हार्मफुल है बिकॉज उसकी बॉडी में जब वेन एवर दे एंटर इन एज बॉडी जब उसकी बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी लाइक फील दे, दे हार्मफुल सो uh, so, बॉडी uh, uh, उस एलर्जेंस पे अटैक करती है एंटीबॉडी के थ्रू एंड थ्रू द मास सेल्स सो जब बॉडी उस पर अटैक करती है सो दे सीक्रेट ए सब्सटेंस दे सीक्रेट ए केमिकल जिसको हिस्टामिन बोलते हैं सो so, उससे क्या है कि बॉडी में जो है वो डिफरेंट एलर्जी की जो रिएक्शन प्रोड्यूस होती है उस तो रिएक्शन के कारण पेशेंट डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ द सिम्टम्स सो so, ये एलर्जी के कॉजेज हैं जो कॉमन हैं और जिनके कारण जो है वो रिएक्शन के कारण सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वॉट इज द सिम्टम्स ऑफ नेजल एलर्जी सो लाइक जो सिम्टम्स जो नेजल एलर्जी के हैं सो so बेसिकली जो पेशेंट uh, की जो क्रॉनिक जो एलर्जी की प्रॉब्लम होती है उसके कारण जो क्रॉनिक एलर्जी नोज के अंदर जो रिएक्शन होती है सो so उस रिएक्शन के कारण जो अंदर नोज की जो म्यूकोजा है दैट्स स्वेला वो फूल जाती है सो कॉन्सिक्वेंटली द एयरवे जो अपना ब्रीदिंग का जो रास्ता है दैट इज ब्लॉक्ड सो पेशेंट फील द नेजल ब्लॉकेज एंड दफी नोज एंड सेकेंड सिम्टम्स देन लाइक like, जब नेजल म्यूकज अंदर स्वेल हो गया दैट सीक्रेट लॉट ऑफ एक्स्ट्रा म्यूकस सो द पेशेंट कंटिन्यू हैव द रनिंग नोज उसकी नाक से हमेशा पानी निकलता रहेगा एंड दिस थिक म्यूकस ड्रेन एंड ड्रिप पोस्टीरियड इन द थ्रोट जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम जो है पोस्ट नेजल ड्रिप एंड द पेशेंट कंप्लेन की उसके गले में कुछ सारे दिन भर कुछ आता रहता है दैट इज द पोस्ट नेजल ड्रिप so like the nasal blockage nasal discharge post nasal drip and another uh, the patient have like the uh, itching in the uh, uh, eye itching in the nose itching in the ear due to the ear congestion because the, the ear nose and the throat and eyes these all are the interconnected so patient develop continue itching and another अब पेशेंट जब कंटिन्यू उसको पोस्ट नेजल ड्रिप उसके नोज में क्या है वो थिक म्यूकस डिप करता रहता है सो so, उसको क्लीन करने के लिए वो क्रॉनिक कॉफ करता है उसको कंटिन्यू थोड़ थोड़ी थोड़ी खांसी होती रहती है एंड रिकरेंट बार बार उसको स्नीजिंग होती है एंड ही डेवलप द शोर थ्रोट गले में उसको टॉन्सिल्स में और गले में उसको बार बार प्रॉब्लम होती है अनदर सिम्टम्स की पेशेंट को जब ये क्रॉनिक ये प्रॉब्लम होती है सो दैर इज़ ए ट्रिगर इन मैक इन्फेक्शन इन द साइनस ऑल्सो बिकॉज जो अपना जो साइनस है जो अपना ब्रीद करते हैं तो साइनस के अंदर एक प्रॉपर वेंटिलेशन होता है जो एयर को ह्यूमिडिफिकेशन करता है सो so, वहाँ पर क्या होता है कि वो साइनस ब्लॉक होने से वहाँ पर इन्फेक्शन की मैकेनिज़म ट्रिगर होती है उससे साइनोसाइटिस पेशेंट को डेवलप होता है एंड द पेशेंट डेवलप द फेशियल पेन इन द चीक बॉन्ड एंड पेशेंट डेवलप द हेडक सो so, uh, ये जो कंटिन्यू जो uh, ये एलर्जी uh, की प्रॉब्लम है उसके कारण ये डिफरेंट जो है सिम्टम्स पेशेंट को डेवलप होते हैं और बहुत बार क्या है पेशेंट को कॉस्मेटिकली भी प्रॉब्लम लगते हैं वैन जब क्रॉनिक आइज़ पे उसको एलर्जी होती है क्रॉनिक जो है वो क्लीन करता, तो करता रहता है तो पेशेंट डेवलप ही मेलेज में यहाँ पर उसको जहाियाँ डेवलप हो जाती हैं और नोज़ को क्या है कंटिन्यू वो यूँ यूँ पेशेंट जो है वो क्लीन करता रहता है तो नोज़ के ऊपर एक लाइन बन जाती है और कंटिन्यू क्या है वो नोज़ को ब्लॉक करने से उसका क्योंकि नोज़ का जो नीचे का जो दो तिहाई हिस्सा होता है वो फ्लेक्सिबल कार्टिलेज से होता है सो so, उसमें क्या होता है कि वो नोज़ जो है वो उसका स्वेल हो जाता है थिक हो जाता है एंड बार बार रिकरेंट उसको इन्फेक्शन होता है सो so, अल्टीमेट जब कंटिन्यू ये सारे सिम्टम्स पेशेंट के चलते रहते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता सो so, लास्ट में अल्टीमेट उसको दो प्रॉब्लम फाइनली होती हैं कि पेशेंट सपरिंग फ्रोम द ब्रीदिंग प्रॉब्लम अस्थमा उस पेशेंट को अस्थमा हो जाता है एंड सेकेंड उसके बाद जो पेशेंट को क्रोनिक नोज और साइनस में प्रॉब्लम होने से उसके नोज़ में रसोली पॉलिप्स बन जाते हैं जिसको नेज, नेजल पॉलिप्स बोलते हैं सो so, फ्रेंड्स ये कॉमन जो है सिम्टम्स एंड साइन हैं नेजल एलर्जी के नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग हाउ कैन वी डायग्नोस द प्रॉब्लम कैसे इसको डायग्नोस करते हैं सो फॉर द डायग्नोसिस फर्स्ट द इंपोर्टेंट थिंग जब पेशेंट हमारे पास आता है हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट उसकी हिस्ट्री और जो फिजिकल एग्जामिनेशन से उसको इवेल्युएट किया जाता है एंड द नेक्स्ट सम नेजल एंडोस्कोपी एंड द ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नेजल एंडोस्कोपी से वी लुक इनसाइड ऑफ द नोज बाय द एंडोस्कोप जो दूरबीन होती है उससे नो, नोज का जो इनसाइड हम लुक करके उसको पता लगा लिया जाता है कि अंदर की उसकी म्यूकोजा है अंदर कोई पॉलिप तो को नहीं है क्या उसकी कंडीशन है एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशंस सो ब्लड इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल्सो सम स्किन इन्वेस्टिगेशन स्किन प्रिक टेस्ट एलर्जिक प्रोफाइल टेस्ट उसको बोलते हैं तो उसमें क्या है कि वी कैन सेग्रीगेट द थिंग्स कि पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सी चीज़ से एलर्जी है कौन कौन सी चीज़ से उसको एलर्जी है जिससे अपन जो है उसको वी कैन सेग्रीगेट द थिंग्स एंड थर्ड जो उसका जो है डायग्नोसिस का है वो रेडियोलॉजिकल मेथड्स लाइक सीटी स्कैन पीएनएस डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होते हैं साइनसेज के जिसमें ये पता लग जाता है कि साइनस के अंदर इस एलर्जी के कारण कोई फ्लूड तो एक्यूमुलेट नहीं हो गया उसमें कोई पॉलिप्स तो नहीं बन गए और साथ में कोई जो है वो नोज के जो बीच में जो हड्डी होती है उसका डी तो नहीं है जिसके कारण ये प्रॉब्लम और एग्रीवेट हो रही है तो ये सारे जो जो चीज़ें हैं जिससे अपन उसको डायग्नोस करते हैं नाउ The fifth important thing like how can we treat treatment of the natural allergy? So for the treatment of the nano allergy इन द फर्स्ट स्टेप वी गव सम ट्रीटमेंट टू द पेशेंट एक उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है एंड वी कंट्रोल द सिमटम जो उसको जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल किया जाता है सम एंटीबायोटिक्स समी कंजेस्टेंट टेबलेट्स एंड सम डी कंजेस्टेंट ड्रॉप्स एंड सम स्टीरोड्स एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसन उसको दे के पहले कंट्रोल किया जाता है एंड देन इन द सेकेंड स्टेप वी गिव सम मिनिमम ट्रीटमेंट टू रिकरेंट प्रिवें रिकरेंट uh, प्रॉब्लम कि उसको बार बार जो है उसको ये प्रॉब्लम नहीं हो उसको रिकरेंट प्रॉब्लम को रोकने के लिए सम उसको मिनिमम मेडिकेशन दिया जाता है ना कुछ नेजल स्प्रे और टैबलेट्स हैं जो और उसको फिर धीरे धीरे क्या है टैपर किया जाता है कम किया जाता है उसके सिम्टम्स के हिसाब से एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग उसको जो पेशेंट को अपन ने एलर्जी प्रोफाइल किया है और एलर्जी प्रोफाइल के टेस्ट में उसको पर्टिकुलरली किसी एलर्जी से एक सीवियर प्रॉब्लम आ रहा है सो so, पेशेंट को पेशेंट अवॉइड दैट थिंग्स और अगर किसी को सीवियर एलर्जी है सो so आजकल एक फैसिलिटी और होती है इम्यूनोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी मीन्स लाइक जैसे बहुत छोटे बच्चे को अपन पोलियो की वैक्सीन पिलाते हैं उसको ओरल ड्रॉप देते हैं उसके ब्लड में एक इम्यूनिटी क्रिएट होती है ऐसे ही उसकी क्या है कि जो इम्यूनोथेरेपी है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी होती है और ओरल फॉर्म में भी होती है जो पेशेंट को चार पाँच महीने तक उसको लेना होता है जिससे क्या है वी डिसेंसिटाइज वी हाइपोसेंसिटाइज द एलर्जेंस रिएक्शन इन द ब्लड सो दिस इज द रिसेंटली ट्रीटमेंट ऑल्सो द इम्यूनोथथेरेपी एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग अगर पेशेंट को कॉन्सिक्वेंटली एक एलर्जी का साइड इफेक्ट के कारण उसको नोज में पॉलिप डेवलप हो गया उसके सीटी टी स्कैन में आ रहा है कि उसके चीक बोन में या उसके साइनस में उसके फ्लूड एक्यूमलेट हो गया तो बाय एंडोस्कोपिक फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी उसको क्या है कि करेक्ट किया जाता है और साइमल्टेनियस अगर पेशेंट के कोई ब्लॉकेज है डी एन एस है तो उसको भी सेप्टोप्लास्टी बट ये सारी प्रोसीजर एंडोस्कोपिक रहती है बाहर से कहीं चीर फाट टाँका ऐसा नहीं होता उसमें टोटली एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होते हैं

एंड लाइक मॉर्निंग में उसको एक्सरसाइज करनी है तो स्टे इनडोर इन साइड कि वहाँ पे जो है एक्सरसाइज करिए जहाँ पे पोलस का या पार्टिकुलर चीज़ का मॉर्निंग में जहाँ पे उसको एक्सपोजर होता है सो लिमिट इज एक्सपोजर सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग पेशेंट यूज द मास्क वो कंटिन्यू मास्क का यूज मिले थर्ड नोज़ uh, का प्रॉपर जैसे नेजल लावे से लाइन से या नोज़ को प्रॉपर क्लीन करे प्रॉपर नोस को ब्लॉक करें जिसमें तो इरीटेंट कॉजिंग फैक्टर हैं और जो एलर्जेंस हैं वो एक्यूमलेट नहीं हों एंड पेशेंट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स यानी खूब सारा उसको पानी पीना चाहिए एंड uh, जो लास्ट uh, जो उसको डॉक्टर ने उसको जो ट्रीटमेंट सजेस्ट किया हुआ है वो ट्रीटमेंट उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए यूजुअली क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको कुछ समय तक वो ट्रीटमेंट लेता है एलर्जी का एंड उसके बाद में ही स्टॉप द ट्रीटमेंट ही फील लाइक मैं अब ठीक हूँ मेरे को जरूरत नहीं है या उसको कहीं किस से उसको किसी ने ये बता दिया होता है कि ये अगर कंटिन्यू लोगे तो आप लाइफ लॉन्ग आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी या ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट होगा ऐसा नहीं है आप अपना ट्रीटमेंट जो भी आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है वो आप कंटिन्यू लो और कंटिन्यू आप फॉलोअप में उसको रहो सो so फ्रेंड्स ये हैं डिफरेंट टाइप जो कॉमन प्रिवेंटिव मेजर बाय दिस प्रिवेंटिव मेजर इन सब प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं उनसे जो एलर्जी के होने वाले जो मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं लाइक द अस्थमा एंड लाइक द नोज पोलिप इन सब से अपने को बचा जा सकता है एंड आई होप कि ये दिस ऑल इंफॉमेसन इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस एंड ये जो सारी जो इंफॉर्मेशन है एलर्जी राइनाइटिस की वो सब आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं आप अपनी फैमिली से एंड जस्ट टू क्रिएट द अवेयरनेस इन और सोसाइटी जिससे एलर्जी ग्राइनाइटिस की जो ये प्रॉब्लम है, जो साइड इफेक्ट है, उनसे अपन बचा जा सके एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू लॉग इन माई वेबसाइट्स एंड माई यूट्यूब्स एंड नेक्स्ट फिर मिलेंगे फ़ॉर मोर इन्फॉर्मेशन इन इन द माई नोज इन माई लाइफ फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम